हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनैद और आपका स्वागत है अब्रॉड ओवरसीज जॉब्स में। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो अब्रॉड में, यानी कि गल्फ यूरोप या किसी भी कंट्री में, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, क्योंकि हम इसी तरह के जॉब ओपनिंग्स हमारे इस चैनल पे डेली डालते हैं। तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप किसी भी जॉब अपडेट को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जॉब ओपनिंग से। और आज की पहली रिक्वायरमेंट कुवैत के लिए है, और ये रिक्वायरमेंट है बाइक डिलीवरी बॉयज के लिए, जिसमें 250 लोगों की जरूरत है। और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 150 कुवैती दिनार प्लस टिप्स प्लस आपको खाना दिया जाएगा। और इस जॉब को अप्लाई करने की एज लिमिट है 22 से 32 साल के बीच के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है वो अच्छी होना चाहिए, और आपके पास इंडिया का 2 व्हीलर लाइसेंस होना जरूरी है, इंग्लिश बोलना आना जरूरी है, और ईसीआर और ईसीएनआर भी अप्लाई कर सकते हैं, और सिर्फ इंडियन कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। और अगर आप ये जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाते हो तो कंपनी के द्वारा आपको जो है रहना और ट्रैवलिंग का मेडिकल इंश्योरेंस और बाइक का पेट्रोल कार्ड दिया जाएगा, और कुवैत का 2 व्हीलर लाइसेंस भी आपको मिलेगा। तो अगर आप ये जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस जॉब के लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसका इंटरव्यू होगा 22 और 23 नवंबर को त्रिची में और मेल्लूर में। तो इमिजिएटली आप जो है इन्हें कांटेक्ट कीजिए, अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कर सकते हो, और आप इन्हें कॉल करके भी आगे की सारी जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ, और ये रिक्वायरमेंट दुबई के लिए है, एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के लिए। इसका इंटरव्यू होगा 18 नवंबर को त्रिची में, और ये रिक्वायरमेंट जो है कुछ इस तरह से है, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। इसमें आपको सैलरी मिलेगी 1500 से 1800 दिरहम, और प्लम्बर इसमें भी सैलरी आपको है 1500 से 1800 दिरहम, और एचवीएसी टेक्नीशियन इसमें भी सेम सैलरी है 1500 से 1800 दिरहम। इसके लिए आपके पास मेंटेनेंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 22 से 38 साल के बीच के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब को। और अगर आप ये जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कंपनी के द्वारा रहना और ट्रैवलिंग दिया जाएगा, प्लस इसमें 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और आपके पास ये एक्सपीरियंस है, तो इमिजिएटली आप इन्हें कॉन्टैक्ट कीजिए इनके दिए गए फोन नंबर पे, और आप इन्हें ईमेल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हो, क्योंकि आज का लास्ट डेट है इंटरव्यू का। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ, और ये रिक्वायरमेंट जो है सऊदी के लिए है, एक कोरियन कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जिसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा 19 नवंबर को चेन्नई में। और ये रिक्वायरमेंट जो है कुछ इस तरह से है, पाइपिंग फोरमैन, पाइप फैब्रिकेटर, पाइप फिटर, आयरन वर्कर, रिजर, इलेक्ट्रिशियन, परमिट होल्डर, पाइपिंग सुपरवाइजर, क्यूसी इंस्पेक्टर, सेफ्टी ऑफिसर, क्यूसी सुपरवाइजर और सेफ्टी सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए आपके पास कोरियन का एक्सपीरियंस है, कोरियन कंपनी में काम करने का, तो इजीली आपको ये जॉब मिल जाएगा। और आप ये जॉब को लेकर सेलेक्ट हो जाते हो तो कंपनी के द्वारा आपको रहना, खाना और ट्रैवलिंग दिया जाएगा। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, आपके पास इनमें से किसी का भी एक्सपीरियंस है, तो इनके दिए गए ईमेल आईडी पे आप इन्हें अपना बायोडाटा और बाकी डॉक्यूमेंट्स ईमेल कीजिएगा, और आप इन्हें कॉल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ, और ये रिक्वायरमेंट बहरीन के लिए है। इसका भी इंटरव्यू होगा 19 नवंबर को, और ये रिक्वायरमेंट जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए है, और इसके अलावा स्टोर असिस्टेंट और वेल्डिंग मटेरियल सेल्स और सेल्स कोऑर्डिनेटर की रिक्वायरमेंट है। और इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जनरल टूल्स में, या फिर वेल्डिंग प्रोडक्ट्स या लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स में। और अगर आप ये जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो इनके दिए गए ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा आप इन्हें ईमेल कीजिएगा, और आप इन्हें कॉल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हो। और अब हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ, और ये रिक्वायरमेंट जो है सऊदी अरब के लिए जेद्दा,
एक प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए है, और इसका जो इंटरव्यू होगा मुंबई में होगा, फेस टू फेस क्लाइंट इंटरव्यू होगा। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, प्लास्टिक मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, मैकेनिकल टेक्नीशियन, ये रिक्वायरमेंट है इनकी। और इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लास्टिक इंडस्ट्री में। और अगर आप ये जॉब के लिए सिलेक्ट होते हो तो कंपनी के द्वारा आपको रहना और ट्रैवलिंग दिया जाएगा। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो, आपके पास ये एक्सपीरियंस है, तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिएगा, और आप इन्हें कॉल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है, इससे पहले जो रिक्वायरमेंट है लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो, ये दुबई के लिए है। इसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा 19 और 20 नवंबर को। और ये रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इस जॉब को अप्लाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि 21 से 40 साल के बीच के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम आप 10वीं पास होना चाहिए, और आपकी हाइट जो है 173 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपको इंग्लिश बोलना आना जरूरी है। और इस जॉब के लिए आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ओवर टाइम का अलग से दिया जाएगा। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए इनके दिए गए ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी डॉक्यूमेंट्स ईमेल कीजिए, और आप इन्हें कॉल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हो। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट आप देख सकते हो राइट साइड पे, वो यूके के लिए है, नर्स की रिक्वायरमेंट है, नर्सिस के। और इसका इंटरव्यू होगा 17, 18 और 19 नवंबर को कोचिन में। और ये रिक्वायरमेंट है सीनियर केयरर, सपोर्ट वर्कर और केयर असिस्टेंट और सीनियर सपोर्ट वर्कर की रिक्वायरमेंट है। और इन सभी पोस्ट के लिए आपका जो है जीएनबी या बीएससी होना चाहिए 1 साल के या एक्सपीरियंस के साथ, प्लस आईएलटीएस का जो स्कोर है आपका 5 या उससे ज्यादा होना चाहिए। और इसमें जो मंथली सैलरी आपको दी जाएगी वो रहेगी लगभग 1,60,000 से लेके 2 लाख रुपया, प्लस बाकी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे कंपनी के द्वारा। और इसमें कम से कम आपकी जो है मिनिमम ड्यूटी जो रहेगी वो 38 से लेके 48 घंटे तक की रहेगी हफ्ते की। और इसमें जो है आपको 1 घंटे का 10.25 पाउंड मिलेगा यूके के हिसाब का, ठीक है। तो अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड हो, आपके पास ये एक्सपीरियंस है, इमिडिएटली इन्हें कांटेक्ट कीजिए इनके दिए गए ईमेल आईडी पे, और आगे की जानकारी आप इनसे ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है ये सऊदी अरामको के लिए है, मर्चेंट प्रोजेक्ट है ऑयल एंड गैस का। इसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा कोची में 20 नवंबर को, यानी संडे। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकॉम प्रोक्योरमेंट के लिए। इसमें सैलरी आपकी रहेगी 6,000 से 8,000 दिरहम। इसके अलावा इंस्पेक्टर क्यूसी जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और टेलीकॉम के लिए, इसमें सैलरी आपकी रहेगी 4,000 से 5,000 दिरहम। इसके अलावा सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकॉम, और इसमें सैलरी आपकी रहेगी 4,000 से 5,000 दिरहम तक। और सुपरवाइजर क्यू सी ई एन आई, इसमें सैलरी आपकी रहेगी 5,000 से 6,000 दिरहम। और क्लर्क की रिक्वायरमेंट डेटा एंट्री के लिए, इसमें सैलरी आपकी रहेगी 1,750 से लेके 2,000 दिरहम। और इसके अलावा फोरमैन जो कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और टेलीकॉम के लिए, इसमें सैलरी आपकी रहेगी 2,500 से लेके 3,500 दिरहम। और इसके अलावा एस्टिमेटर कॉस्ट ENI, इसमें आपकी सैलरी रहेगी 3,500 से लेके 5,000 दिरहम। और असिस्टेंट मैनेजर एचआर की रिक्वायरमेंट है, इसमें आपकी सैलरी रहेगी 10,000 से 12,000 दिरहम तक। और इसके अलावा ऑफिस एचआर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपकी सैलरी रहेगी 4,000 से लेके 5,500 दिरहम तक। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर एचआर की रिक्वायरमेंट है, इसमें आपकी सैलरी रहेगी 3,000 से 4,000 दिरहम तक। और इसके अलावा क्वांटिटी सर्वेयर की रिक्वायरमेंट है ENI, इसमें सैलरी रहेगी 3,500 से लेके 4,500 दिरहम। और इसके अलावा सीनियर एस्टिमेशन इंजीनियर और सिविल
और सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है FRP, GRP, HDPE पाइपिंग के लिए, इसमें सैलरी रहेंगी 4,000 से 5,000 दिरहम। और इंस्पेक्टर QC जो कि FRP, GRP, HDPE पाइपिंग के लिए, इसमें सैलरी रहेगी आपकी 4,000 से 5,000 दिरहम। और वेल्डर HDPE के लिए, इसमें सैलरी आपकी रहेगी 1,600 से 1,800 दिरहम। और अगर आप ये जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाते हो तो कंपनी के द्वारा आपको रहना, खाना और ट्रेवलिंग और बाकी सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। तो अगर आप इनमें से किसी भी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और आपके पास एक्सपीरियंस है तो इमिजिएटली आप इन्हें अपना बायोडाटा ईमेल कीजिए बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ, और आप इन्हें कॉल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये रिक्वायरमेंट जो है, ये अबू धाबी के लिए एक शटडाउन प्रोजेक्ट है। इसका क्लाइंट रिव्यू होगा 24 और 25 नवंबर को एर्नाकुलम में। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, यूनिट इंचार्ज बीई मैकेनिकल होना चाहिए, HSE इंजीनियर जो कि बीई मैकेनिकल केमिकल, और मैकेनिकल सुपरवाइजर डिप्लोमा मैकेनिक में होना चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर डिप्लोमा मैकेनिक या केमिकल्स में, प्लानिंग इंजीनियर बीई मैकेनिक्स और प्लानर डिप्लोमा चाहिए, QA/QC इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए, मटेरियल कोऑर्डिनेटर डिप्लोमा इन मटेरियल हैंडलिंग में चाहिए, वाल्व कोऑर्डिनेटर डिप्लोमा मैकेनिक्स और PTW कोऑर्डिनेटर डिप्लोमा इन मैकेनिक्स। और इन सभी पोस्ट को अप्लाई करने की मतलब जो क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है, आपके पास कम से कम 8 से 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑयल एंड गैस प्लांट में, और अबू धाबी का एक्सपीरियंस तो काफी बेहतर रहेगा, और प्लस आपका जो है कोविड का वैक्सीनेशन होना डबल डोज जरूरी है। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और आपके पास एक्सपीरियंस है तो इमीजिएटली आप इन्हें अपना बायोडाटा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ईमेल कीजिएगा, और आप इन्हें कॉल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। और ये जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो है ये अबू धाबी के लिए, लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, और इसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा 22 नवंबर ट्यूसडे को कोची में। और ये हैवी ट्रेलर ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट है, इसमें 8 घंटे की ड्यूटी रहेगी, और इसमें सैलरी आपकी रहेगी 1,850 दिरहम प्लस ओवर टाइम का आपको अलग से दिया जाएगा, और कंपनी के द्वारा रहना और खाना दिया जाएगा। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप इन्हें कांटेक्ट कीजिए, इनके दिए गए ईमेल आईडी पे इन्हें अपना बायोडाटा और डॉक्यूमेंट्स ईमेल कर दीजिए, और आप इन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं इनके दिए गए फोन नंबर पे। और कुछ और रिक्वायरमेंट्स है अबू धाबी यूएई के लिए, राइट साइड पे आप देख सकते हो, ये एक मिको लॉजिस्टिक के लिए, इसका क्लाइंट इंटरव्यू होगा 20 नवंबर संडे को कैलीकट में। और ये रिक्वायरमेंट है SC ऑपरेटर, इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 1,850 दिरहम प्लस खाना रहना और ओवर टाइम का अलग से आपको दिया जाएगा, और इसमें काफी सारे लोगों की जरूरत है, तो जितने ज्यादा लोग हो सके अप्लाई जरूर कीजिएगा। और ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और इस जो आपको अप्लाई करने की एज की लिमिट है 23 से 38 साल के बीच के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, और आपको इंग्लिश बोलना आना जरूरी है। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और आपके पास इसका एक्सपीरियंस है SC ऑपरेटर का, तो आप जरूर इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। इसके लिए इनके दिए गए फोन नंबर पे आप इन्हें कॉल करके आगे की जानकारी ले सकते हो। और इसी के साथ हम चलते हैं हमारे अगले जॉब की तरफ। ये जो रिक्वायरमेंट है, ये सारन ग्रुप ऑफ कंपनीज के लिए, सऊदी अरब के लिए, इसका क्लाइंट इंटरव्यू ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट ऑफ इंटरव्यू है 19 नवंबर। और ये रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इसमें सैलरी आपको दी जाएगी 3,000 से 3,500 रियाल, और कम्युनिकेशन टेक्नीशियन, इसमें सैलरी आपको दी जाएगी 1,400 से 1,700 रियल, और केबल जॉइंटर और केबल टर्मिनेशन, और 13.8 KV केबल वेल्डर, और 33 किलोवाट OHTL टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है। और इन सभी पोस्ट के लिए आपको सैलरी दी जाएगी 1,400 से 1,700 सऊदी रियाल का। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है, इसमें सैलरी आपको दी जाएगी 2,500 रियल। और इसके अलावा कैड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, इसमें सैलरी आपको दी जाएगी 1,800 रियाल। और सर्वेयर के लिए सैलरी आपको दी जाएगी 2,000 रियाल। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है, इसमें सैलरी आपको दी जाएगी 1,400 से लेके 1,700 रियाल।
और ट्रक क्रेन ऑपरेटर के लिए सैलरी आपको दी जाएगी 1500 से 1600 रियाल। और इसके अलावा ऑफिस बॉय की रिक्वायरमेंट है, इसमें 1000 रियाल दिया जाएगा आपको, और जेसीबी ऑपरेटर के लिए 1200 रियाल दिया जाएगा, और ट्रेलर ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको 1400 रियाल दिया जाएगा, प्लस ओवर टाइम का इसमें आपको अलग से दिया जाएगा। और इन सभी पोस्ट के लिए आपके पास कम से कम 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है जो ड्राइवर की पोस्ट है, और इस जॉब को अप्लाई करने की एज लिमिट है वो 30 से 35 साल के बीच के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो और आपके पास इनमें से किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। इसके लिए इनके दिए गए ईमेल आईडी पे अपना बायोडाटा और बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स आप इन्हें ईमेल कीजिए, और आप इन्हें कॉल करके भी आगे की जानकारी ले सकते हो। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये जो वीडियो था हमारा पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हो और अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो दुबई में, गल्फ में, अब्रॉड, यूरोप, किसी भी कंट्री में, तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के जॉब रिलेटेड वीडियो जो होते हैं डेली हमारे इस चैनल पे अपलोड करते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ नए जॉब वैकेंसी के साथ। थैंक यू वेरी मच।